बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं आज ये पास्ता बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। ये मैंने एक कप प्याज लिया है और 7 लहसुन के थोड़े से 2-3 चवे लिए हैं। इनको अब मैं ऑयल में ब्राउन करूँगी और फिर इसके साथ शिमला मिर्च और फिश के साथ ये मैं मछली पास्ता बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, तो सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये इनका प्याज का कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें हम शिमला मिर्च और एक मछली का पीस डालूँगी और साथ में फिर दोनों जो फिश होती है वो भी डालूँगी। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें हल्के से मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें एक ये दोनों जो है ये भी शामिल करेंगे। इसको फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम सॉस डालेंगे, पास्ता सॉस। अब हम इसमें पास्ता सॉस ऐड करेंगे। और फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसमें पास्ता जो है वो बॉईल करके इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन हमारी जो सॉस है वो तैयार हो गई है, तो अब जो है वो पास्ता बॉईल करेंगे और फिर उसको इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पास्ता जो है 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, तो जब जैसे ही बॉईल हो जाएगा 5 मिनट इसको टाइम रख के हम बॉईल करेंगे तो फिर इसमें इसको सॉस में शामिल कर देंगे।